हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी और बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के वोकेशनल सब्जेक्ट वेब डिज़ाइनिंग सेकंड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। इसे कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बार कह दूं कि आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं। अभी चेक कीजिए, अगर नहीं किया है तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो। और यदि आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें इस चैनल को, क्योंकि आई थिंक ये चैनल आपकी हेल्प तो कर ही रहा है, तो इतना तो बनता है ना गाइस। चलिए, सो हम जब इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ अगेन हम यही कहेंगे कि इन टॉपिक्स को आपको स्कीप नहीं करना, बट इट डज नेवर मीन कि आपको सिर्फ यही पढ़ना है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। आपको एटलीस्ट एक बार तो पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, टाइम भी है आपके पास में, ठीक है। 21st को पेपर है, आज को मिला के आपके पास 4 दिन हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। जो आपकी पहली यूनिट है इसमें से जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, वो ठीक है। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या होते हैं, क्या होती है जावास्क्रिप्ट, उसकी डेफिनेशन। उसके बाद यदि हम बात करें तो उसमें वेरिएबल्स ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, और यदि हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट के टाइप्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट टाइप्स और स्टैटिक एंड डायनामिक टाइप चेकिंग, कन्वर्जन एंड कोर्शन। और यदि हम इसमें बात करें तो आपके पास में हैं ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, कंडीशनल्स आपके इफ एल्स ये वाले, ठीक है। इसमें भी टर्नरी ऑपरेटर होता है, स्विच केस, और इसमें जो आपका अरे होता है, एटलीस्ट आपको एक अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके एलिमेंट्स को कैसे इनपुट ले रहे हैं या फिर उसको कैसे प्रिंट करवा रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए। देन इसलिए आपको कुछ अरे की मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ लगेगी, ठीक है। मेथड्स मतलब कुछ इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक है आपका मल्टी डायमेंशनल अरे, डेफिनेशन और सिंटैक्स इसका भी पता होना चाहिए। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब भी एग्ज़ाम होती है, यदि आप उसमें सिंटैक्स लिख देते हैं और उसके डेफिनेशन लिखते हैं, ठीक है, और यदि छोटा सा प्रोग्राम का कोड, पूरा प्रोग्राम नहीं भी तो कुछ कोड अगर आप लिखते हो, दैट शोज़ कि आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफ़ी सारा नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको उसका सिंटैक्स आता है तो मेक श्योर कि आप उसको लिख कर ही आएँ, ठीक। चलिए, इसी तरह से जब हम सेकेंड यूनिट में आ जाते हैं तो यहाँ आपके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है लूप्स, व्हाइल डू व्हाइल, फॉर लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, लूप के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि आप सबको सी या सी प्लस प्लस डेफिनेटली आती है या जावा भी आती है ना, तो आपको ये जो लूप्स हैं ये समझना काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। थोड़ा से सिंटेक्स में चेंज होगा लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम ही होगा, तो ये आपके लूप्स क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या होते हैं, कैसे इटरेट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। देन यदि हम बात करें तो फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, नेस्टेड फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, देन फंक्शन एज द रिटर्न्ड ऑब्जेक्ट, ये आप अगर कर लो। उसके बाद में स्कोप की यदि बात करें तो लेक्सिकल और मॉड्यूल स्कोप, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम अगर बात करें तो डोम मेथड्स में आपको डोम HTML, CSS, इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इवेंट लिस्नर, इसको एक बार पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना, इसको सही से कंसंट्रेशन के साथ एक बार पढ़ना है कि ये क्या है, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया तो आई थिंक आप कवर कर लेंगे इस यूनिट को। तीसरी यूनिट में यदि हम बात करें तो कोई भी वेब पेज में हम इंटरेक्टिविटी कैसे ऐड करते हैं, वो
ठीक है, और आपको एक डायनामिक वेब पेज क्रिएट करना आना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वैलिडेशंस क्या होता है, जैसे कई बार आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, अगर कोई वाले बॉक्स में आप एंट्री करना भूल गए और सबमिट कर दिया, तो उसमें रेड कलर से अलर्ट आ जाता है उस बॉक्स पे कि आपने इसको ज़रूर फील करें। तो ये कुछ है वैलिडेशंस, क्या गलत एंट्री कर दी, ठीक है। तो वो तो फील्ड लेवल वैलिडेशन, चेक रिक्वायर्ड फील्ड्स, देन ऑटोमेटेड फॉर्मेटिंग, ये फ़ोन वगैरह के सबके फॉर्मेट्स होते हैं और ये फॉर्मेट्स ही चेक कर करके बता देते हैं कि सामने वाले ने वैल्यू सही एंटर की या नहीं। तो ये भी आपको यहाँ से जो है फील्ड लेवल वैलिडेशन, चेक रिक्वायर्ड फील्ड, ये पढ़ने में बड़े बड़े टॉपिक लग रहे हैं, बहुत छोटू से टॉपिक्स हैं। ऑटोमेटेड फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट फ़ोन, फॉर्मेट मनी, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, ये जो है ये आपको आना चाहिए और इनको आप इजीली कर लेंगे, बस आपको उसको एक बार देखना है, ठीक है। फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताइए व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए। इवेंट्स पूछ लिए किसी फॉर्म पे, तो माउस होवर, क्लिक करा या कुछ भी, तो ये सारे आ जाएंगे इवेंट्स में। चौथी यूनिट में यदि हम आ जाएँ तो यहाँ पर है आपके पास में PHP। PHP में भी आपको वो डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, स्विच केस, ये जो लूप्स हैं, ये PHP के फॉर्म्स, सुपर ग्लोबल्स, देन फॉर्म वैलिडेशन, ये आपको आना चाहिए। ये ई कोर प्रिंट क्या है, कंप्लीट फॉर्म आप अगर कर लोगे एक बार में ही, तो ये मोस्टली चीज़ें सब कवर हो जाएगी, ठीक है। पांचवी यूनिट में हम आ जाते हैं, यहाँ पर है MySQL, तो आपको ये DML, DDL, ये जो है टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इनकी जो क्वेरीज थी, यदि क्वेरी की एग्जांपल भी दे दी आपने, डेटा डेफिनेशन के साथ में क्रिएट टेबल और जो भी है वो सब सब बता दी, DML के बता दिए, तो काफ़ी कुछ आपने कवर कर लिया। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ कीज़ हैं वो आपको कीज़ आना चाहिए यहाँ पर। डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर नहीं भी आई तो भी आपको ये कीज़ आना चाहिए, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आनी चाहिए, ठीक है। और जो कुछ क्वेरीज आपने क्लास में देखी, क्वेरीज सिंगल लाइन की थी, इतना अगर कर लिया तो आपका बहुत स्कोरिंग हो जाएगा पेपर। तो अगर पिछले पेपर में कुछ गड़बड़ हुई भी है तो ये वाला पेपर उसको संभाल लेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए और अच्छे से पढ़ाई कर लो, अभी बहुत सारा टाइम है, अगर सिर्फ पढ़ना है तो, ठीक है। थोड़ा टाइम के लिए आपको मोबाइल, व्हाट्सएप वगैरह चीज़ें भी छोड़ दो, पढ़ लो, इसमें स्कोर कर गए तो आपका जो स्कोर है, जो ओवरऑल परसेंटेज है, वो सुधर जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।